हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो अपने प्रीवियस वीडियो में प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस के बारे में देख लिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो आज हम लोग इसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में, जो कि हमको प्लास्टिक और एनवायरमेंट के बीच का जो डिसएडवांटेज है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे एनवायरमेंट पे, इसके बारे में बेसिकली हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जरूर से जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पे जाके आप लोग आसानी से प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उसको हम लोग बिना किसी देरी के कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट। जो हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं इसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, मीन्स हमारे लाइफ पे, लिविंग बींग्स जो है उनके लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। इट इज नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड कॉजेस पॉल्यूशन। बर्निंग ऑफ सिंथेटिक मटेरियल रिलीज अ लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स into the atmosphere and causes air pollution. Plastic cannot be decomposed by microorganism. जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का जो डिस्पोजल होता है वो आज के टाइम में हमारे लिए काफी ज्यादा सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि ये क्या होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज ही नहीं किया जाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं किया जाता मतलब ये हमारे आसपास ही तो घूमेगा वेस्टेज के रूप में। तो इस कारण से ये जो आज हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। नेक्स्ट देखिए कि अगर इसको हम इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको जला भी देते हैं, तो जलाने के कारण से भी क्या होता है, इसमें इतनी ज्यादा पॉइजनस गैस निकलते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस होता है। अगर उसके पास हम 5 से 10 मिनट खड़े रह गए तो हमारा जो दम घुट घुट के डेथ हो जाएगा वहीं पे। वो काफी ज्यादा पॉइजनस गैस होता है जो कि प्लास्टिक को जलाने से हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में आने के बाद वो हमारे एयर को क्या कर देता है, पॉल्यूटेड कर देता है, और वही एयर हम लोग लेते हैं अपने ब्रीदिंग के लिए, जिसके कारण से जो दम्मा वगैरह बीमारी होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, वो होने शुरू हो जाते हैं। मैंने बताया था ना, अगर ये एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है मतलब ये हमारे या फिर लिविंग बींग्स हैं उनको भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं कि इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है। देखिए, इफ प्लास्टिक आर डिस्पोज्ड इन ड्रेन्स कॉजिंग अकुमुलेशन ऑफ वेस्ट एंड वाटर बोन्स डिजीज। अगर हम प्लास्टिक को यूज करके कहीं पे नाले वगैरह में या फिर जो नदी वगैरह तालाब वगैरह होता है उसमें फेंक देते हैं, तो उसमें फेंक देने से एक तो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे प्लास्टिक जमा हो जाएगा। अब प्लास्टिक जमा होगा तो वहां पे वाटर, क्योंकि वो केमिकल के बने होते हैं, तो वो केमिकल पानी में भी तो मिलेगा, मिलने के कारण से वहां पे बहुत सारे वाटर डिजीज होंगे, वहां पे रहने वाले एक्वाटिक एनिमल को होंगे। अगर वो आसपास के टॉन में वो पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता होगा तो वो अगर वो पानी को जो जो इंसान पिएंगे उनको भी डिजीज होंगे, वाटर डिजीज, ठीक है। इसी कारण से आजकल जो है वाटर डिजीज ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाटर फूड इज डम्प्ड इन प्लास्टिक बैग। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे वेस्टेज फूड होते, सॉरी ये वेस्टेज था, जो हमारा वेस्टेज फूड होता है उस वेस्टेज फूड को हम लोग फेंकने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पॉलिथिन लेके आते हैं। पॉलिथिन लेके आने के बाद उसमें क्या करते हैं, पैक कर देते हैं, क्योंकि पॉलिथिन भी एक प्लास्टिक ही है, तो उसमें हम लोग उसमें क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद कहीं पे भी रोड पे फेंक देते हैं, घर के आसपास कहीं पर भी फेंक देते हैं, तो इस वो हम लोग क्या समझ लेते हैं, हमारे घर से तो जो कचरा है वो निकल गया, ठीक है, हम लोग ये सोच के रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन उस रोड पे जो घूमने वाले एनिमल्स होते हैं वो उसको फूड समझ के खा जाते हैं। अब वो जैसे ही खाते हैं तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता है, वो उनके पेट में जाके, अब चूंकि प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो डिकम्पोज ही नहीं होता है, तो उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अफेक्टेड हो जाते हैं। जो स्टोमक होता है, स्टोमक में बहुत सारा प्लास्टिक जमा होने के कारण से वहां पे एक प्लास्टिक का लेयर बन जाता है, जिसके कारण से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छे से वर्क करना नहीं
मतलब वो अच्छे से वर्क ही नहीं कर पाता। अब वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा तो जो उनके अंदर का पूरा सिस्टम है, उनका जो बॉडी पार्ट है, वो धीरे 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 अफेक्टेड होके कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये प्लास्टिक और ये जो पॉलिथीन है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल बनते जा रहा है। देखिए, प्लास्टिक बैग, एनिमल स्वॉलोज दिस प्लास्टिक बैग विच इज हार्मफुल टू देम, दोज आर ऑल्सो अफेक्टेड एन एक्वाटिक एनिमल। प्लास्टिक मटेरियल्स चोक द रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये क्या करता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को ही काम करना चाहिए, उसका बंद करना करवाने लगता है, ठीक है, ऑफ दिस एनिमल्स और लाइनिंग इन देयर स्टोमक एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ। हम लोगों का जो एक छोटा सा भूल होता है नॉलेज की कमी के कारण से, वो किसी एनिमल के लिए डेथ का कॉज बन सकता है। इसलिए प्लीज जो वेस्टेज है उसके लिए, आप उसको फेंकने के लिए प्लीज सिर्फ प्लास्टिक पॉलिथीन का यूज मत कीजिएगा। उसके जगह जो आप लोग प्लास्टिक का कोई डस्टबिन ले लीजिए, जिसमें आप लोग उस वेस्टेज को जमा कीजिए, और वेस्टेज को जमा करने के बाद कहीं एक जहां पे ऐसा जमीन हो जहां वो वेस्टेज के रूप में पड़ा हो, तो वहां पे जाके आप उसको डाल दीजिए, क्योंकि वो जो होगा वो वेस्टेज होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा वहां पे, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको प्लास्टिक या पॉलिथीन में डाल के कहीं पे फेंक देते हैं, तो हमारे कारण से जो हमारे आसपास रहने वाले एनिमल होते हैं वो काफी ज्यादा हार्म हो जाते हैं, उनकी डेथ तक हो सकती है, ठीक है। हम लोग जब हमारे रिलेशन में कोई हमारे सामने डेथ होता है, तो हम लोगों को कितनी ज्यादा जो है बैड फीलिंग्स आती है। तो ठीक इसी तरीके से एनिमल भी तो हमारा इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, हमारा इकोसिस्टम का एक पार्ट है। अगर हम उसको इफेक्ट करते जाएंगे तो वो उसका इफेक्शन हमारे लाइफ पे भी तो पड़ेगा। तो इसलिए आप प्लीज एनिमल के लाइफ पे ना सही, अपनी लाइफ को अच्छे से रखने के लिए इस वेस्टेज को कम से कम प्लास्टिक या पॉलिथीन में भर के आसपास मत फेंकिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ प्लास्टिक वेस्ट आर बुरीड इन सॉइल दे अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट। क्या होता है, अगर इस प्लास्टिक को हम लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए हम एक गड्ढा खोद के उसमें बहुत सारा प्लास्टिक डाल देते हैं, तो चूंकि अब ये केमिकल के बने होने के कारण से एक तो केमिकल फैला देंगे पूरे के पूरे उतने दूर के सॉइल में, तो उनका जो फर्टिलाइजर है, जो प्रॉपर्टीज रहता है, वो कम हो जाएगा। अब इसके साथ साथ एक और रीजन हो जाएगा कि जो वाटर होते हैं, वाटर को सॉइल अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो वहां पे अगर फसल्स वगैरह होता भी है तो वो अच्छे से होगा नहीं। अगर बारिश का टाइम होता है, बारिश के टाइम में अगर वहां पे प्लास्टिक हमने क्या कर दिया, ब्रीड कर दिया, रख दिया है उस ग्राउंड के अंदर, तो वाटर रेनिंग के टाइम में अब चूंकि सॉइल जो है वो अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको वो रिप्लेनिशमेंट भी नहीं होने देगा, मतलब वो वापस से वाटर को अंदर जमा भी नहीं होने देगा, वाटर का एक लेयर बनने ही नहीं देगा अच्छे से। तो जिससे क्या होगा, जो हमारे लिए डेली लाइफ में वाटर यूजेस के लिए होता है, उसका हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, उसकी हम लोगों की कमी होने लगेगी, ठीक है। इस कारण से देख रहे हैं ना कितना सारा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो हमारे ही लाइफ पे असर डाल रहा है। तो हम लोग इसका तो बहुत ही मतलब चीपर रेट के कारण से यूज कर रहे हैं, ये ड्यूरेबिलिटी होता है इसके कारण से यूज कर रहे हैं, लेकिन ये हमको बहुत लॉन्ग टाइम का ये अपने ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट देने में भी नहीं छोड़ रहा है, बहुत लंबे समय के लिए जो ना ये हमको बहुत बड़ा सिरदर्द दे के जा रहा है। प्लीज अगर अभी भी हम लोग एजुकेटेड है, अगर हम लोग पहल नहीं करेंगे तो सोसाइटी के और सारे लोग कैसे पहल करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को इसके प्रति जागरूक होना है, आसपास के लोगों को जागरूक करना है, ताकि जो प्लास्टिक जो है आज हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, उसको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं हम अपना छोटा सा भी योगदान दे सके, ठीक है। आई होप कि आप लोग जो है प्लास्टिक से होने वाले प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे और प्लास्टिक के यूजेस से बचने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक इन्वॉल्व्स कंजम्पशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम विच इज एन
अनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब ये जो प्लास्टिक है वो बनता किससे है? पेट्रोलियम से बनता है ना, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल से बनता है और पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम से ही आता है। अब ये जो है पेट्रोलियम से बनता, अब हम प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूजेस करने लगे हैं इंडस्ट्रीज में, तो वहां पे जो है पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा यूजेस होने लगा है। अब पेट्रोलियम क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स तो है, लेकिन कैसा रिसोर्स है? एग्जॉस्टेबल है। अगर ये एक बार खत्म हो गया तो अब कब बनेगा, नहीं बनेगा, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसको भी बचाने के लिए, अगर पेट्रोलियम खत्म हो गया ना, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज होगा कि हम लोग इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं। तो इसको, पेट्रोलियम को बचाना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए जरूरी कि हम लोग प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट को चुने, प्लास्टिक को दूर करते जाएं खुद से, तभी ये पॉसिबल है। प्लास्टिक का जो हम लोग हैंडल के रूप में यूज करते हैं, वहां पे हम लोग वुडन हैंडल का यूज कर सकते हैं। जो प्लास्टिक बैग्स का यूज करते हैं, वहां पे हम लोग जो जूट वगैरह का बना हुआ बैग्स आता है उसका यूज कर सकते हैं। पेपर का जो बैग्स बनता है उसका यूज कर सकते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल, ये जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारे एनवायरमेंट के लिए, ये ज्यादा इफेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है प्लास्टिक का डिसएडवांटेज। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे और ये कोशिश करेंगे कि जितना कम हो सके, जितना से जितना कम हो सके उतना कम आप प्लास्टिक का यूज करेंगे, ताकि आप भी हेल्दी रहें और आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो भी हेल्दी रहे, आपका एनवायरमेंट भी हेल्दी रहे, ठीक है। आई होप कि इस सेशन को आप लोग काफी एंजॉय किए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं अपने लास्ट लेक्चर, प्लास्टिक के लास्ट लेक्चर के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।